आपका उद्देश्य बदला तो क्रिया का फल बदल गया। कई बार सुनाया है, एक दुष्ट स्वभाव वाला आदमी था, तो जंगल में गड़ासा लेके खड़ा होता, वहां से चाहे वो महात्मा निकले चाहे वो गृहस्थ निकले, पहली बात उसका दंड कमंडल रुपया पैसा छीन लेना और दूसरी बात उसको जिंदा ना छोड़ना, मौज। ऐसा हिंसक क्रूर स्वभाव का था, छीन लेना और मार देना, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा ही करता। अब एक महात्मा जो बड़े भजनानंदी तपस्वी त्यागी थे, तो ऐसे संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संत दृष्ट जिम पातक तरे, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होई भव भंगा। ऐसे महापुरुष का सानिध्य जो ही मिला तो उसने उठाया गड़ासा, तो उनका क्यों भाई क्यों मारोगे, बोले हमारा व्यसन है, मारना हमारा स्वभाव है, हमारी आदत, हमें नशा है, हम सामान छीन लेते हैं मारते हैं। बोले ऐसी दुर्गति होगी तेरी कि तुझे पता नहीं। वो तप बल संपन्न थे, वो जो जो बोल रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग पे लग रहा है, थोड़ी ही देर में संभाषण मात्र, एक तो दर्शन दूसरा संभाषण, तत्काल उसके हृदय में कंपायमान, हृदय में भय पैदा हुआ, चरणों में गिर गया, महाराज मैं तो बहुत पाप की, ये देखो संत दर्शन का फल, कोई उपाय बताओ, महाराज सब छोड़ दूंगा यदि मुझे शिष्य बना लो। तो उनका तुम्हें ऐसे शिष्य नहीं बनाएंगे, पहले तुम भारत के तीर्थों का अवगाहन करो, जब तुम पवित्र हो जाओगे तब तुम्हें शिष्य बनाएंगे, तुमने बहुत सी हत्याएं की है, बनाएंगे शिष्य, लेकिन पहले भारत के तीर्थों में भ्रमण करो। तो महाराज हम कैसे जानेंगे कि हम पवित्र हो गए निष्पाप हो गए, तो उन्होंने एक सूखी लकड़ी दी और कहा जब ये हरी हो जाए, इसमें अंकुरण हो जाए, तो वहीं से लौट आना, जानना तुम निष्पाप हो गए, चल पड़ा। अब महापुरुष की प्रेरणा, ये होता संत का प्रभाव, अब वो लकड़ी ली सूखी और चल पड़ा, 10 किलोमीटर चला होगा, तो एक जंगल में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, बरगद का, बहुत बड़े बड़े पेड़ बरगद के, बहुत बड़े, उसकी जड़ ऐसे आके शाखाओं से नवीन वृक्ष की रचना, बहुत बड़ा वृक्ष था, उसी के नीचे सोचा रात्रि काट लेते हैं फिर हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे, उसी के नीचे। तो चार बदमाश ऊपर चढ़े हुए थे चोर, और वो समीप वाले गांव में चारों तरफ से आग लगाने का प्लान बना रहे थे कि तुम दक्षिण की तरफ से आग लगाना, तुम उत्तर की तरफ से आग लगाना, और फिर जो निकलेगा उनको मारेंगे, ऐसा ऐसा। उसने सोचा इतने पाप किए हैं, अब तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे, इन चार को और मार देते हैं, क्योंकि ये चार मरेंगे तो पूरा गांव बच जाएगा, अब जो तीर्थ ही जा रहे तो जा 50-100 वो मारे तो 2-4 इनमें क्या जाता है। उन्होंने आवाज लगाई, ये सुनो तुम्हारा प्लान ठीक नहीं है। तो देखा कि कोई हमारे प्लान को सुन लिया, तो उनका देखो हम तुम्हारे गुरु हैं इस बात के, जीवन हो गया गड़ासा चलाते हुए, मुझे पता है तुम फंस जाओगे, नीचे उतरो। अब एक साथ थोड़ी उतरेंगे, एक एक उतर, बड़ा वृक्ष था तो जड़ की आर में उसको पता था, मारने का अभ्यास था, बिना अस्त्र शस्त्र के हाथ ही से मार दिया, चारों को मार दिया। मारा सोचा अभी यहां तो हमने हत्या कर दी, अभी यहां नहीं रुकेंगे, आगे जो ही लकड़ी उठाया तो हरी हो गई। उसने गुरुजी लोग कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो वापस आ जाला तीर्थ यात्रा, अभी तो कोई गंगा नहाया नहीं, जमुना नहीं नहाया, तीर्थ यात्रा नहीं की और लकड़ी हरी हो गई, पर गुरु ने कहा था हरी हो जाए तो वापस आ जाना, वापस चला गया। जो ही पहुंचा वहा गुरु जी दंडवत, बोले तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था वापस कैसे आ, बोले आपने कहा था जहां आपकी लकड़ी हरी हो जाए वहीं जान लेना पवित्र हो गए, तो गुरु जी लकड़ी तो हरी हो गई। तो बोले किस तीर्थ में लाया, बोले ना आया नहीं, चार को और मार दिया। बोले चार को मार दिया तो और पाप बढ़ना चाहिए कैसे क्या, तब उन्होंने बताया पूरे गांव की रक्षा करने के भाव से मैंने चार। तो बोले देखो बेटा अभी तक अपने स्वार्थ के लिए मारते थे, उद्देश्य था आपको अपने स्वार्थ का, तो वो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के गाय बैल जीव जंतु स्त्री पुरुष बच्चे सबकी रक्षा का उद्देश्य रख के चार को मार दिया तो वो महापुण्य हो गया। अब समझे, क्रिया वही है, उद्देश्य बदल गया तो फल बदल गया उसका। आप गृहस्थ में जो क्रियाएं कर रहे हैं वही क्रियाएं प्रभु के लिए करने लगे, उद्देश्य बना ले प्रभु की प्रसन्नता, बात बन गई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर कि धर्म त्याग का पाप लगेगा, मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा, लेकिन तू मेरे चरणों का आश्रय ले ले। हर धर्मों की पूर्ति भगवत प्राप्ति से होती है, और प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेना परम धर्म है। जो धर्म कर्म प्रभु की प्राप्ति में बाधा पहुंचावे, तजिए ताहि कोटि वैरिषम, उसे करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। जैसे तजियो पिता प्रहलाद
विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबलि तजो कंत ब्रज बनितन बोले भे मुद मंगलकारी। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति बनाने वाले के लिए हर धर्म भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाए, वही हो गया भगवत प्राप्ति का हेतु। समझ रहे? ऐसे कितने महापुरुष देखे गए अपने कुल कर्म को करते हुए भगवत प्राप्त हो गए, क्योंकि वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया। अभी क्या करते हैं हम, जो भी करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं, अपनी राजी के लिए करते हैं, और भक्त प्रभु की राजी के लिए करता। क्रिया वही है, उद्देश्य बदल गया, उसका फल बदल गया। समझ गए आप?